यमुनानगर में बिजली विभाग के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। बदमाशों ने डिप्टी सुप्रिटेंडेंट की दोनों टांगों और बाजुओं पर लोहे की रॉड से हमला कर उन्हें तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जगमाल सिंह ऑफिस से छुट्टी होने पर अपनी एक्टिवा पर सवार हो घर जा रहे थे कि ऑफिस से कुछ ही दूरी पर एक सिल्वर रंग की बिना नंबर की इनोवा कार में आए बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की। बदमाशों ने लोहे की रॉड से उन पर हमला किया। बदमाशों ने एक के बाद एक रॉड से हमला कर उनकी दोनों टांगों को तोड़ दिया और उनकी बाजुओं को भी घायल कर दिया। यही नहीं, जब तक जगमाल बेहोश होकर गिर नहीं गए तब तक बदमाश उन्हें मारते रहे और फिर मौके से फरार हो गए। जगमाल सिंह ने बताया कि उन्हें नहीं मालूम कि ये लोग कौन थे और किस वजह से उनके साथ मारपीट की गई। मैं दफ्तर से छुट्टी करके घर के लिए निकला तो रास्ते में जो है राकेश टैगी के घर के पास जाके एक इनोवा गाड़ी आ रही थी मेरी साइड, तो जैसे ही मैंने उन अपनी तरफ से जा रहा था तो उन्होंने पहले तो वहाँ अड़ाई। मैंने सोचा इधर से निकल लोगे इन्होंने, तो मैंने दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करी तो फिर उन्होंने वहाँ रोक लिया। और उतरते ही तीन बंदे उतरे उसमें से जिनके पास मोटी मोटी राड़े थी, उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। और पूरा मैं एक्शन ऑफिस जगाधरी में काम करता हूँ डिप्टी सुप्रिटेंडेंट। चौथे दोनों टंगों पे है फ्रैक्चर, बाजुओं पे है, कमर पे है। 20-25 दिन पहले थे ही, पता नहीं 24 फरवरी की, 25 फरवरी की वो कोई बंदा आया था पहले अपनी वो कंप्लेंट होती रही, तो वो जो है उसमें मेरा भी नाम लिख के चला गया भाई कंप्लेंट में, और बाय हैंड कंप्लेंट दे के गया, उसकी वीडियो भी है हमारे। वहीं इस वारदात के बाद से जगमाल के परिजन डरे हुए हैं। घायल जगमाल की पत्नी की माने तो उन पर जो जानलेवा हमला हुआ है उससे अब उन्हें यही डर सता रहा है कि कहीं बदमाश उन पर फिर से हमला न कर दें। एक्चुअली सर वो ऑफिस ख़त्म हुआ जैसे 5:30 बजे छुट्टी होती है इनकी, जैसे ही वो निकले विदिन 5 मिनट का ही रास्ता उन्होंने क्रॉस किया था कन्हैया चौक से थोड़ा आगे हमारा घर है, तो कुछ लोग आए, 4 लोग थे गाड़ी में, इनोवा गाड़ी थी ग्रे कलर की थी, स्लेटी सा रंग था उनका, नंबर प्लेट नहीं थी उसकी, तो उन्होंने रोका रास्ते में और अचानक ही कातिलाना हमला कर दिया। उनके मौका ही नहीं दिया भागने का ना उठने का, कुछ कहने का बताया ही नहीं, कुछ किससे किया कुछ बोले ही नहीं, बताया ही नहीं कि भी ये रंजिश है कैसे है। देखो जी हमें तो इंसाफ चाहिए, हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनको पकड़ा जाए, ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं कि कल को हमारे साथ दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे CCTV कैमरा खंगाले जाएं, लोगों से पूछा जाए, तभी पता चलेगा कि कौन लोग थे। मामला फिलहाल पुलिस तक पहुंच चुका है और पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि परिवार के लोग वहां उस इलाके में लगे CCTV को खंगालने की बात भी कर रहे हैं ताकि पुलिस उन बदमाशों तक पहुंच सके और उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के CCTV चंडीगढ़।